हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सैम। सो गाइस आज मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, वो है सिंथॉल का ये पाउडर। जनरली हम लोग जो है पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में या बरसात के मौसम में भी करते हैं। तो गाइस मैं बताऊंगी आज आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, और साथ में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक चीज और बोलना चाहूंगी गाइज, अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर वीडियो जरा सा भी आपको यूजफुल लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज ये है सिंथॉल का पाउडर। बॉटल इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव है, कलर बहुत ही खूबसूरत है, और कलर साथ साथ कलर इतना प्यारा होने के साथ साथ प्रोडक्ट भी काफी मुझे पसंद है। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ पैकेजिंग की, इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में। सो गाइज ये इस तरह की पैकेजिंग मुझे मिला है, इसके ऊपर कोई आउटर बॉक्स नहीं था, और इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है। और इसका जब प्राइस की बात करूंगी तो गाइज 130 रुपीज, इसका 35 रुपीज इसका प्राइस है, जो मुझे एक्चुअल 135 का ही मिला है। ऑनलाइन भी मुझे किसी तरह का कोई डिस्काउंट इसमें मिला नहीं है। और गाइज इसकी शेल्फ लाइफ की बात करती हूँ तो 24 मंथ्स ये आपका चल जाता है, तो इजिली 2 ईयर्स आपके निकल जाते हैं इस पाउडर के साथ। अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करती हूँ तो गाइज में जिंक का यूज किया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे कि उन्होंने बताया गया कंपनी ने, और फ्रेगनेंस के लिए मिंथाइल का यूज किया गया है, ट्री क्लोसन का यूज किया गया है। सो गाइज इस तरह इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करती हूँ तो 300 ग्राम इसकी नेट क्वांटिटी है गाइज। और इसमें जो है मैंथॉल और एक्टिव डिओ फ्रेगनेंस का यूज किया गया है, कूलरी जैसे कि यहाँ से मेंशन किया गया है। सो गाइज अब मैं बता दिया मैंने आपको इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीजें यूज की गई है और कितने का है, क्योंकि जब भी हम किसी की रिव्यू शेयर करते हैं सबसे पहले हम आपको क्वांटिटी और प्राइस डेफिनेटली बताते हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो गाइज अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी। तो गाइज मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगनेंस में अवेलेबल है, आपको इसमें लाइम भी मिलेगा, इसमें ये मैंथोल वाला भी है, और इसमें एक दो और डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने यूज नहीं किए हैं, मैंने 2 यूज किए हैं, एक लाइम का, इससे पहले मैंने उसका भी वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं लाइम के बारे में जानना और आप प्रोडक्ट पाउडर यूज करना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो मेरा सिंथॉल लाइम पर ही था। पर गाइज अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो गाइज मुझे ये वाला प्रोडक्ट जो है बहुत पसंद आया। गाइज इसकी फ्रेगनेंस की बात करूंगी तो इसकी फ्रेगनेंस ऑसम है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको किसी भी डीओ परफ्यूम को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और बिल्कुल डीओ जैसी खुशबू, बहुत ही शार्प है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, बहुत लंबा टाइम बाहर रहना पड़ता है, आपको थोड़ा पसीने की स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं इसीलिए ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं ताकि स्मेल ना आए लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस रहे। और गाइस खुशबू तो हर किसी को पसंद ही आती है, अगर आप कहीं जाते हैं और आपके पास एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है तो पूरा जो माहौल होता है, जो आपका ऑरा होता है, वो एक अलग ही खूबसूरती देता है, लोग खुश होते हैं आपके से साथ बैठने में क्योंकि उनको भी अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो गाइज ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही पसंद आया, इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत अल्टीमेट है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपको इसका छोटा प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो इतना बड़ा यूज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आप इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली मुझे इतना पसंद है, डेफिनेटली आप लोगों को भी जरूर पसंद आने वाला है। तो अगर आप इसको परचेज करते हैं, ट्रायल करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप बड़ा पैक भी जरूर खरीदेंगे। सो गाइज मेरा जो एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छा रहा। आप लॉन्ग लास्टिंग इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट पर विश्वास कर सकते हैं, खुशबू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। और गाइज 4 to 5 आवर्स से ज्यादा आपको इसकी खुशबू बनी रहेगी, और लगाने के बाद रियली में आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम इसकी जो खुशबू थी बहुत औसम है, मतलब इसके सामने मुझे डीओ भी फेल लगे जो इसकी खुशबू है। तो गाइज टोटल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी आप एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें, काफी अच्छा है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के बारे में, बाकी आप ही डिपेंड करता है आप इसको परचेज करना चाहते हैं या नहीं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।